हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन। इस वीडियो के अंदर हम 10th क्लास मैथमेटिक्स से प्रोबेबिलिटी जो एक हमारा चैप्टर है विच इज चैप्टर नंबर 15 उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उसके बाद हम उसके एक्सरसाइज से क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे। अब प्रोबेबिलिटी जो है उसको हिंदी में हम बोलते हैं संभावनाएं या फिर संभावना, यानी कि किसी चीज को होने की संभावना कितनी है। जैसे कि अगर आपके पास एक कॉइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक कॉइन है, इस कॉइन को जब आप टॉस करेंगे, ऑब्वियसली आप क्रिकेट तो खेलते ही होंगे, हर एक बच्चा क्रिकेट खेलता है, अगर आप इस कॉइन को टॉस करेंगे तो इसकी क्या संभावना है कि हमारे पास एक हेड्स आएगा या फिर इसकी क्या संभावना है कि हमारे पास एक टेल्स आएगा। उसी तरीके से रियल लाइफ में हमारे पास बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं, ऐसे इवेंट्स ऑकर होते रहते हैं जहां पर कुछ चीज़ों को करने की या होने की संभावना रहती है और कुछ चीज़ों को होने की संभावना नहीं रहती। अब जैसे कि मेरे पास 3 कॉइन्स हैं, अब अगर मैं 3 कॉइन को एक एक करके उछालता हूं तो इसकी क्या संभावना है कि मेरे पास तीनों बार हेड आ जाएगा और मेरे पास कभी टेल्स नहीं आएगा। इस तरीके से हम रियल लाइफ के बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको इस तरह की संभावनाओं के अंदर हम बदल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावनाएं। अब यहाँ पर जब इस चैप्टर के अंदर हम चेक करेंगे कि इन संभावनाओं को हम कैसे मेज़र करते हैं और किस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं कि किसी इवेंट को ओकर होने की संभावना कितनी है। ओके, अब देखिए एक कॉइन के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है हमारे पास हेड्स और दूसरा होता है हमारे पास टेल्स। यहाँ पर आई हैव टेकन अ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कॉइन, बट आई कैन टेक अन इंडियन कॉइन ऑल्सो, इंडियन रुपी ऑल्सो, बट दिस वॉज ईजी टू फाइंड, तो इस वजह से मैंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक कॉइन यहाँ पर लिया है जहाँ पर हमारे पास एक साइड जो है वो हेड शो कर रही है और जो दूसरी साइड है वो यहाँ पर हमारे पास टेल शो कर रही है। सो वी हैव अ हेड एंड वी हैव अ टेल। अब देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। इन 18th सेंचुरी यानी कि 18वीं शताब्दी में अ फ्रेंच नेशनलिस्ट, दिस इज द नेम ऑफ दैट फ्रेंच नेशनलिस्ट विच इज कॉम्ते दी बफॉन, टॉस्ड अ कॉइन 4040 टाइम्स एंड गॉट 2048 हेड्स, यानी कि उसने एक कॉइन को 4040 बार उछाला जिसमें से 2048 बार उसको हेड्स मिला। इसी तरीके से एक और हमारे पास ब्रिटेन में एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था जे ई क्रिच, उन्होंने 10,000 बार एक कॉइन को उछालने की कोशिश करी और 10,000 बार उछालने के बाद उसे 5,067 बार हेड्स मिला, तो हेड्स इतनी बार मिला है। और उसी तरीके से अगर हमारे पास एक और हमारे पास स्टैटिस्टिशियन थे जिनका नाम था कार्ल पियर्सन, उन्होंने 24,000 बार यानी कि 24,000 टाइम्स उन्होंने कॉइन को उछाला और उस 24,000 टाइम्स में उसको 12,012 बार हेड्स मिला और बाकी जो बचे उस समय पर हमें टेल्स मिला। अब यहाँ पर हम इन संभावनाओं को छोड़ रहे हैं कि हमें कोई कॉइन ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन पे मिल सकता है, ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है, जैसे कि अगर आप एक सैंड पर अगर आप कॉइन को उछाल रहे हैं या फिर किसी ऐसी अनइवन सरफेस पर उछाल रहे हैं तो आपके पास कॉइन इंस्टेड ऑफ हेड या टेल वो एक बीच वाली पोजीशन यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन पर भी हो सकता है, लेकिन हम उस तरह की संभावनाओं को यहाँ पर हम एलिमिनेट कर रहे हैं। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास किसी कॉइन को अगर उछालेंगे तो या तो सिर्फ आएगा हमारे पास हेड या फिर आएगा हमारे पास टेल्स। अब देखिए जब यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी को मेजर करते हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है वो आप 9th क्लास के मैथमेटिक्स में भी आप थोड़ा पढ़ चुके हैं, 9th क्लास की मैथमेटिक्स में भी आपने इस प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब देखिए जब यहाँ पर कॉइन को 4040 बार उछाला गया जिसमें से हमारे पास 2048 बार हेड आया, तो यहाँ पर हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, वो कितनी हुई, 2048 यानी कि 2048 डिवाइड बाय 4040, इसको हम 4040 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि इन सभी एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हमारे पास 0.507 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। लेकिन अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि 50.7% टाइम्स हमारे पास हेड आया है इतने सभी एक्सपेरिमेंट के बाद। उसी तरीके से
जब हम जेई क्रिच ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, यानी कि 10,000 कॉइन्स को जब उछाला था, उस समय पर अगर हम हेड आने की प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं तो उनको 5067 बार, दैट मीन 5067 टाइम्स ही गॉट अ हेड आउट ऑफ 10,000 टाइम्स. दैट इज वाई द प्रोबेबिलिटी इज 0.5067, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वलेंट टू 50.67%. दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड. इसी तरीके से जब हम थर्ड एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर उन्होंने 12,012 बार हेड मिला, जिसमें से उन्होंने 24,000 टाइम्स कॉइन को उछाला था. तो इस केस में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड हियर? यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड थी वो थी 0.5005, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 50.05%. ठीक है, अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो इन तीनों केसेस में हमने जिस प्रोबेबिलिटी को मेजर किया है उसको बोलते हैं हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी. ओके, यानी कि हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे कि यहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंट था कि हमने कॉइन को 24,000 बार उछाला, और इतना उछालने के बाद हमारे पास 12,012 बार हेड्स आया. तो ये हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें हेड्स आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें 50.05% हुई, जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी. तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी. अब ये जो प्रोबेबिलिटी है इसको दो तरीके से हम मेजर कर सकते हैं. पहला है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल जिसको हम एम्पेरिकल भी बोलते हैं, और दूसरा है हमारे पास थियोरिटिकल, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते लेकिन हमें पता होता है कि किस चीज़ को आने के चांसेस कितने हैं. हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे. अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं. सपोज वी आस्क व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड बी इफ द एक्सपेरिमेंट इज कैरिड अप टू से 1,000,000 टाइम्स. देखो पहले केस में क्या हुआ था हमारे पास, पिछले स्लाइड जो हमने देखा, तो पहले केस में जब हमने 4,040 बार टॉस किया तो उस समय पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी बनी 0.507. अब जब दूसरे केस में जब हमने कॉइन को 10,000 बार टॉस किया था, उस केस में जो हमारी प्रोबेबिलिटी बनी थी वो बनी थी 0.5067. तीसरे केस में जब हमने कॉइन को 24,000 बार टॉस किया था तो उस केस में हमारी जो प्रोबेबिलिटी बनी थी वो बनी थी 0.5005. इसी तरीके से आप नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को जब बढ़ाते चले जाएंगे, यानी कि जब 24,000 के बाद अगर लेट अस से हमने 10,000,000 टाइम्स कॉइन को उछाला, 10,000,000. अभी 10,000,000 क्या होता है, एक बहुत बड़ी अमाउंट है. जब मैं 1,000,000 की बात करता हूँ तो 1,000,000 का मतलब है ये हमारे पास 10 लाख के इक्वल है, विच इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस. तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये हुआ हमारे पास 1,00,000, और ये हो गया हमारे पास 10,00,000. और जब हमने इसको 10,000,000 की बात करी है, यानी कि हमने कॉइन को इतनी बार उछाला है, देखिए ये कितना हुआ हमारे पास, दिस इज 1 करोड़ टाइम्स, 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 10,00,000, 10,00,000 एंड करोड़. सो ये हमने अगर कॉइन को 1 करोड़ टाइम्स, यानी कि 1 करोड़ बार अगर हमने कॉइन को उछाला, तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो क्लोज टू 0.5% पहुंच जाएंगे. देखिए यहां से आप देख सकते हैं जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास 0.5% के क्लोज होती चली जा रही है. तो जितनी ज़्यादा बार हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उतनी ही ज़्यादा बार हमें पता चलेगा कि जो प्रोबेबिलिटी है यहां पर हेड आने की वो 0.5% के इक्विवेलेंट हो जाती है. ठीक है, सो यू विल इंट्यूटिवली फील दैट एज द नंबर ऑफ द टॉसेस इंक्रीजेस द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल्स सीम्स टू बी सेटलिंग डाउन अराउंड द नंबर विच इज 0.5, यानी कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 के काफ़ी क्लोज होती चली जाएगी. ठीक है, अब देखिए व्हेन वी स्पीक अबाउट द कॉइन हियर वी एज्यूम दैट इट इज अ फेयर कॉइन. फेयर का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक कॉइन है जिसके अंदर एक हेड है और दूसरी टाइम टेल है, ऐसा नहीं है कि हेड वाली जो फेस है उसको ज़्यादा बायस्ड उसकी तरफ है हम लोग. यहाँ पर एक वर्ड आता है हमारे पास बायस्ड, बायस्ड का मतलब है झुकाव. ठीक है, अब जैसे कि अगर आप ऐसा बोलेंगे कि हमारे पास एक स्टिक है, एज्यूमिंग ये हमारे पास स्टिक है यानी डंडी है, अब मैं इस स्टिक की तरफ इस तरफ मैं कुछ वेट बांध देता हूँ, जैसे कि इस तरफ मैं एक पत्थर यानी कि स्टोन बांध देता हूँ. जब मैं इस स्टिक को किसी हाइट पे खड़े होकर, ये एक हाइट है और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जब मैं स्टिक को इस हाइट से नीचे की तरफ फेंकूंगा तो क्या होगा कि स्टिक का जो भारी वाला हिस्सा है वो हमेशा नीचे की तरफ होगा और जो लाइट वाला हिस्सा है वो हमेशा ऊपर की तरफ होगा. ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमने यहाँ पर भार
यानी कि किसी स्टोन को यहाँ पर बांध दिया, तो यहाँ का वेट इंक्रीज हो गया, तो जो स्टिक है वो इस तरफ ज़्यादा बायस्ड हो गई, उसी तरीके से जब हम हेड और टेल की बात करते हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि जिस भी एक्सपेरिमेंट को हम करें यहाँ पर उसके अंदर कोई भी बायस्डनेस हो, यानी कि बायस्ड ना हो वो एक्सपेरिमेंट, वो किसी एक तरफ आने के चांसेस ज़्यादा ना हो। ऐसा कुछ ना हो कि हमने इसके अंदर कॉइन के अंदर कुछ वेट्स, हमने एक तरफ से वेट बढ़ा दिया, एक तरफ से वेट कम कर दिया, ताकि एक तरफ से हमारे पास हमेशा हेड ज़्यादा आए या फिर हमारे पास टेल ज़्यादा आए, ठीक है। सो इट इज़ सिमेट्रिकल, सो दैट देर इज़ नो रीज़न फॉर इट टू कम डाउन मोर ओफन on one side and then on another side. We call this property as a coin as being unbiased. यानी coin जो है हमारा वो biased नहीं है, वो unbiased है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक side हमेशा ज़्यादा ही आने वाली है, दोनों side आने की जो probability है, तो chances है, वो equivalent है. So by the phrase random toss, जब हम random toss की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम coin को freely fall करने देंगे without any bias or interference. ठीक है, यानी कि जब हम टॉस करने वाले हैं रैंडम टॉस, यानी कि हम कॉइन जब उछाल रहे हैं, तो उसके अंदर हम लोग कुछ ऐसे स्पेसिफिक तरीके से उस कॉइन को नहीं उछालने वाले कि हमारे पास हमेशा हेड ही आए या फिर हमारे पास हमेशा टेल ही आए। जैसे कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि अगर ये एक टेबल रखी है, ठीक है, इस तरीके से ये हमारी एक टेबल है, ठीक है, और यहाँ पर ये मेरा हाथ है जहाँ से मैं इस एक कॉइन को उछालने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस कॉइन की तरफ मैंने हेड रखा हुआ है। अब मैं इसको ऊपर उछालने की जगह पर अगर मैं इस कॉइन को सिर्फ डायरेक्टली इस तरीके से फेंक देता हूँ, तो क्या होगा कि जब ये कॉइन हॉरिजॉन्टली, मैं इस कॉइन को यहाँ पर फेंक रहा है, तो हॉरिजॉन्टली फेंकने के बाद इसकी जो हेड वाली साइड है वो हमेशा ऊपर ही रहेगी रदर देन टेल वाली साइड, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले, हम जब इस कॉइन को उछालेंगे तो इसको हम ऐसे ऊपर से उछालेंगे इस तरीके से कि इसके अंदर कोई ऐसी बायसनेस ना हो, कोई ऐसी इंटरफेरेंस ना हो कि कोई हेड हमेशा ज़्यादा आ जाए या फिर कोई टेल हमेशा ज़्यादा आ जाए। तो हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करने वाले हैं, तो उसके अंदर ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि एक तो हमारे पास किस तरह का कोई बायस नहीं होना चाहिए, यानी कि देयर शुड बी अनबायस्ड टॉस, और दूसरा कि उसके अंदर हम कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए कि हमेशा ये देखें कि भाई हेड ज़्यादा आए या फिर टेल ज़्यादा आए, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट हो गए हैं वो हमेशा फेयर होंगे, हम उसके अंदर कोई चीटिंग यहाँ पर नहीं करने वाले, ठीक है। अब देखो एक और एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि एक बैग है हमारे पास, हमने एक बैग लिया इस तरीके से, ठीक है। इस बैग के अंदर हमने ये एज्यूमिंग बैग में ड्राइंग बहुत बेकार है तो बट स्टिल ये हमने एक बैग लिया, अब इस बैग के अंदर हमने कुछ बॉल्स को डाल दिया, ठीक है। अब इस बैग के अंदर हमने एक तो ब्लू बॉल को डाल दिया, एक जो बॉल है हमारी, लेट मी जस्ट रब इट क्लियर, ओके। तो एज्यूम कर लेते हैं ये हमारे पास एक बैग है, ठीक है। अब इस बैग के अंदर हमने एक डाल दिया ब्लू बॉल को, तो ये एक हमारे पास ब्लू बॉल है, ठीक है, दिस इज अ ब्लू बॉल। और इस बैग के अंदर हमने चार रेड बॉल्स को डाल दिया, तो चार बॉल जो है हमारी रेड है, एक दो तीन चार, ठीक है, इसके अंदर चार रेड बॉल है। अब हमने एक पर्सन यहाँ पर खड़ा है और उसको ये नहीं पता कि इस बैग के अंदर मैं हाथ डालूंगा तो मेरे हाथ में ब्लू बॉल आएगी या रेड बॉल आएगी, यानी कि हम इस के अंदर झांक कर नहीं देख सकते, ठीक है। तो अगर आप एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करते हैं कि एक पर्सन, एक आदमी जब यहाँ पर खड़ा है, वो बिना कुछ देखे आँखों में पट्टी बांध कर एज्यूम कि वो इस बैग के अंदर अपना हाथ डालता है, उसने अपना हाथ इस बैग के अंदर डाला, अब मुझे ये बताओ कि हाथ डालने के बाद जब वो एक बॉल को बाहर निकालेगा तो जो बॉल बाहर आएगी वो एक रेड बॉल होगी या फिर वो एक ब्लू बॉल होगी। इसमें से रेड बॉल होने की संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी है और ब्लू बॉल होने की संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब देखो अगर हमारे पास इस बैग के अंदर सिर्फ दो ही बॉल होती, यानी कि अगर एक होती हमारे पास रेड बॉल और एक होती हमारे पास ब्लू बॉल, अगर सिर्फ दो ही बॉल होती तो अगर वो इस समय पर हाथ डालकर बॉल निकालने की कोशिश करता तो रेड बॉल आने की संभावना उतनी ही है जितनी ब्लू बॉल आने की संभावना है, यानी कि दोनों की संभावनाओं के अंदर कोई भी परेशानी नहीं है, दोनों की संभावना इक्वल है। अब अगर हमने इस केस में यहाँ पर हमने पांच तो रेड बॉल डाल दी, एक दो तीन चार, चार हमने रेड बॉल डाल दी और एक हमने डाल दी हमने ब्लू बॉल, जब वो यहाँ से एक बॉल को निकालने की कोशिश करेगा तो रेड बॉल आने की जो संभावना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ रेड बॉल इज मोर एज कम्पेयर टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ ब्लू बॉल। क्यों? क्योंकि रेड बॉल की जो संख्या है, जो अमाउंट है, द अमाउंट ऑफ रेड बॉल्स इज लॉट मोर एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ब्लू बॉल्स। इस केस में ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, इस जब एक्सपेरिमेंट से बॉल निकालने की बात आती है तभी अनबायस्ड है,
समझ आ रहा है, यानी कि जब ये पर्सन जो इसके अंदर हाथ डालेगा बिना देखे, इसको ये नहीं पता कि मैं कौन सी बॉल निकाल सकता हूँ, तो वो एक अनबायसनेस है, वो अनबायस्ड है। लेकिन जब मैं बॉल्स की बात करता हूँ कि इनमें से कौन सी बॉल ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली रेड बॉल ज़्यादा है, ठीक है, तो रेड बॉल आने की संभावनाएँ ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं, सपोज दैट अ बैग कंटेन फोर रेड बॉल्स एंड वन ब्लू बॉल्स, यू कैन ड्रॉ बॉल विदाउट लुकिंग इन टू द बैग, आप उस बैग के अंदर बिना देखे एक बॉल को निकाल सकते हैं। वट आर द आउटकम्स, क्या क्या आउटकम पॉसिबल है, अ रेड बॉल अ ब्लू बॉल इक्वल लाइकली मे नॉट बी, मतलब रेड बॉल और ब्लू बॉल जो है वो एक जितने आएंगे ऐसा शायद नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास चार तो हमारे पास रेड बॉल है और सिर्फ एक ही ब्लू बॉल है। तो अब बिकॉज हमने हार डाल के जब बॉल को निकाला है तो ये संभावनाएं ज्यादा है कि हमारे पास एक रेड बॉल ज्यादा आएगी, वी आर मोर लाइकली टू गेट अ रेड बॉल रेदर देन गेटिंग अ ब्लू बॉल। सो द आउटकम दैट इज अ रेड बॉल और ब्लू बॉल इज नॉट इक्वल लाइकली, जो आउटकम है वो इक्वल लाइकली नहीं है यहाँ पर। तो लेकिन जो आउटकम ऑफ ड्रॉइंग अ बॉल ऑफ एनी कलर फ्रॉम द बैग इज इक्वल लाइकली, यानी कि इसके अंदर से किसी भी कलर की बॉल निकालने की आउटकम तो इक्वल लाइकली है, लेकिन उसमें से रेड बॉल या ब्लू बॉल कौन सी आएगी वो जो आउटकम है वो हमारे पास इक्वल नहीं है, इक्वल लाइकली नहीं है, क्योंकि वो रेड भी हो सकती है ब्लू भी हो सकती है, बिकॉज हमने रेड बॉल की संभावना हमने ज़्यादा रखी है, रेड बॉल ज़्यादा रखी है, तो इसी वजह से जो आउटकम है हमारे पास वो रेड बॉल का ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं जो भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट होंगे देन दे आर नॉट नेसेसरी मीन दैट दे विल बी हैविंग इक्वल लाइकली आउटकम्स, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन सब के अंदर हर चीज़ होने की संभावना एक जितनी, ऐसा हो सकता है किसी चीज़ के होने की संभावनाएं ज़्यादा है और किसी चीज़ की होने की संभावनाएं उससे कम है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें दो तरह की हमारे पास प्रोबेबिलिटी आती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक होती है हमारे पास एम्पेरिकल, यानी कि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। एम्पेरिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि हम एक्चुअल में कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, उस एक्सपेरिमेंट के जितने एक्चुअल आउटकम्स आए उसके हिसाब से हमने प्रोबेबिलिटी को निकाला। जैसे कि पहले कैसे मैंने आपको बताया था कि हमने कॉइन को 4040 बार टॉस किया, उस 4040 बार में से हमारे पास 2048 बार हमारे पास हेड्स आया, इतनी बार हमारे पास हेड्स आया। तो यहाँ पर ये जो प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट की थी विच इज 0.507, ये जो प्रोबेबिलिटी थी ये हमारी एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी थी। एम्पेरिकल यानी कि हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और उसके आउटकम के बेसिस पर हमने प्रोबेबिलिटी को इवैल्यूएट किया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए कि व्हाट इज एन एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टर्म। तो अब तक जो मैंने पढ़ाया आप साथ साथ उसके साथ साथ नोट्स भी मेंटेन कीजिए, नोट्स बनाते जाइए, और ये जो मैंने एक टॉपिक पढ़ाया है एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी इसको ध्यान दीजिए, ये आपके बहुत काम आएगा। दूसरा है हमारे पास थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो कि हम पढ़ने वाले हैं, इसी को हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी थ्योरी भी बोलते हैं। जितने भी हम लोग थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर, या फिर जितने भी आपके हायर क्लासेस में, चाहे आप 11th पढ़ें, 12th पढ़ें, या फिर उसके बाद आप MSc कर रहे हैं, या फिर PhD कर रहे हैं, या फिर अगर आपके पास BTech भी अगर आप कर रहे हैं, तो कुछ भी अगर आप आगे पढ़ने वाले हैं, तो उस समय पर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे दैट विल बी कम्प्लीटली थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो हमें पता होना चाहिए कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है क्या, ठीक है। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट आएगा वो आएगा द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जैसे कि हमारे पास एक कॉइन है, इस कॉइन के अंदर एक हमारे पास हेड है और एक हमारे पास टेल्स है, तो यानी कि इस कॉइन के हमारे पास दो ही फेसेस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने पॉसिबल है हमारे पास, यहाँ पर टू आउटकम्स आर पॉसिबल, दैट इज अ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल, आउटकम्स पॉसिबल, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी केस में ये बोलता हूँ कि हमारे पास हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल हमारे पास दो आउटकम में से जिसमें से एक आउटकम हमारे पास हेड था, तो एक आउटकम है दो में से, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.5। उसी तरीके से हमारे पास टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टेल हमारे पास दोनों में से एक ही है, तो टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारे पास 1.2 यानी कि 0.5 होगी, ठीक है। अभी देखो ये हुआ क्या, ये हमने बताया कि हमारे पास टोटल दो ही आउटकम आ सकते हैं और दोनों में से सिर्फ हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, यानी कि हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, बिना एक्सपेरिमेंट करें हम ये निकालने वाले हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी आने वाली है, ठीक है। अब इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास एक की जगह पर दो कॉइन होते हैं, जैसे कि एक कॉइन ये है और एक कॉइन ये, हम दोनों को एक साथ उछाल रहे हैं, मतलब पैरेलली हम दोनों को कॉइन्स को उछाल रहे हैं, तो इन दोनों में क्या क्या संभावनाएं हैं,
ऐसा हो सकता है कि दोनों कॉइन में हमारे पास हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है कि एक पर हेड आए और दूसरे पे टेल आए, ऐसा हो सकता है पहले पर टेल आए दूसरे पर हेड आए, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कॉइन्स में हमारे पास टेल आए। अब इस केस में जब हम दो कॉइन्स की बात करते हैं, यानी कि वी आर टॉसिंग टू कॉइन्स, वी आर टॉसिंग टू कॉइन्स पैरेलली, जब हम दोनों कॉइन्स की बात करते हैं उस केस में टोटल हमारे पास आउटकम पॉसिबल कितने हैं? एक चार, हमारे पास टोटल चार आउटकम्स पॉसिबल है। कौन कौन से? देखिए, एक ये आउटकम है हमारे पास, एक ये आउटकम है, दिस आउटकम नंबर वन, आउटकम नंबर टू, दिस इज आउटकम नंबर थ्री और आउटकम नंबर फोर। तो टोटल हमारे पास चार आउटकम है। तो इस केस में जब हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हियर ये वाला, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? चार। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ, तो आपने दो कॉइन्स को पैरेलल यानी कि एक साथ दो कॉइन्स को आपने उछाला, दोनों कॉइन्स को उछालने के बाद दोनों कॉइन्स में एक साथ हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो इन चारों आउटकम में से एक साथ हेड हमारे पास एक ही चांस है, तो एक साथ हेड आने के जो चांसेस होंगे हमारे पास वो होंगे हमारे पास वन। ठीक है, तो मतलब एक ही बार आ रहा है चारों में से, तो वन अपॉन फोर विच इज इक्वल टू 0.25। तो 0.25 जो है एक ये प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास दोनों कॉइन्स पर हेड आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होगी वो हमेशा 1 से लेकर 0 के बीच में होगी, यानी कि 0 का मतलब कि ये काम होगा ही नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, और 1 का मतलब है कि डेफिनेटली पॉसिबल, डेफिनेटली यानी कि डेफिनेटली इट विल हैपन यानी कि होगा ही नहीं, या फिर डेफिनेटली पॉसिबल भी आप कह सकते हैं, डेफिनेटली पॉसिबल भी आप कह सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कुछ इवेंट हो रहा है और उस इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू अगर जीरो के पास है, या फिर अगर जीरो है तो जीरो का मतलब ये काम हो ही नहीं सकता, अगर ये वाली वैल्यू वन के पास है यानी कि ये काम होगा ही होगा। अब जैसे कि यहाँ पर जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई है वो 0.25 आई है, यानी कि ये जीरो के पास है, जीरो के बहुत करीब है, तो इसकी वजह से कह सकते हैं कि इसकी होने की संभावनाएं कम है। हालांकि इसकी संभावनाएं हैं, लेकिन इसकी होने की संभावनाएं कंपैरेटिवली हमारे पास कम है। ठीक है, तो अब इसी के तीन चार मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिए हैं। पहला एग्जाम्पल है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। अब देखिए, इस एग्जाम्पल को हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ एक ही कॉइन है तो उसके अंदर दो ही फेजेस आ सकते हैं, एक हो सकता है हमारे पास हेड और दूसरा हो सकता है हमारे पास टेल, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर टू, दोनों में से एक आउटकम हमारे पास हेड है और एक आउटकम हमारे पास टेल है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 1/2, क्यों? क्योंकि एक आउटकम हमारे पास हेड है दोनों में से। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल? वो है हमारे पास 1/2, यानी कि दोनों में से एक आउटकम हमारे पास टेल है। ठीक है, ये बहुत ही आसान था जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। उसी तरीके से अभी देखो ये क्या बोल रहा है, अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल, यानी कि एक बैग है हमारे पास, मैं इस बैग को बना देता हूं यहां पर। तो ये हमारे पास एक बैग है, इस बैग के अंदर हमारे पास एक रेड बॉल है, एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है, ये हमारे पास ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल है। तो इस बैग के अंदर तीन बॉल्स हैं हमारे पास, रेड बॉल, ब्लू बॉल और एक येलो बॉल। ठीक है, इसको ऐसे ये दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको डार्क कलर ले लेता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारे पास एक येलो बॉल है। ठीक है, अब वो क्या बोलता है इस क्वेश्चन के अंदर, वो बोलना चाहता है कि ऑल बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, तो तीनों बॉल का साइज सेम है, एंड कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, यानी कि एक लड़की है यहाँ पर कृतिका, और वो इसमें से एक बॉल को निकाल रही है बिना देखे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट ए येलो बॉल? देखो हमारे पास तीन बॉल्स हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? टोटल पॉसिबल आउटकम होंगे हमारे पास तीन। अब तीन में से एक ही हमारे पास येलो बॉल है, एक ही हमारे पास ब्लू बॉल है और एक ही हमारे पास रेड बॉल है। अगर मैं बोलता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल, तो तीनों में से एक ही येलो बॉल है हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/3 विच इज इक्वल टू 0.3 बार। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, तो लाल बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3, क्योंकि तीनों में से हमारे पास एक ही लाल बॉल है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.3। और हमारे पास ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? वो होगी हमारे पास 1/3 विच इज ऑल्सो 0.3। तो तीनों केस में हमारे पास 0.3 इज द प्रोबेबिलिटी। हालांकि अगर इसमें ऐसा होता, देखो ऐसा होता कि हमारे पास दो रेड बॉल होती और एक ब्लू बॉल और एक येलो बॉल, तो उस केस में क्या होता? तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होगी हमारे पास? चार।
तो इस केस में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, हमारे पास चार में से दो रेड बॉल है तो गेटिंग अ रेड बॉल इज 1/2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, दैट विल बी चार में से एक ही ब्लू बॉल है, दैट इज 1/4 विच इज 0.25। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल, चार में से सिर्फ एक ही येलो बॉल है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.5। यानी कि जो हमारे पास रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है इस केस में वो 0.5 है, ब्लू बॉल आने की 0.25 है और येलो बॉल आने की 0.25 है। यानी कि रेड बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ब्लू और येलो बॉल से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट, सपोज वी थ्रो ए डाइस वंस। अब डाइस क्या होती है, अगर आप लूडो अगर आप खेलते होंगे तो आपको पता है कि डाइस जो है वो एक ऐसे क्यूबिकल स्ट्रक्चर होता है डाइस, लूडो के अंदर जो आप यूज करते हैं। इसके अंदर एक फेस के अंदर हमारे पास इस तरीके से बने होते डॉट्स जो कि हमें बताते हैं कि जब ये फेस ऊपर आएगा तो हमारे पास क्या नंबर आने वाली है। ठीक है, अभी क्या बोलता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। देखो अब डाइस के अंदर कौन कौन से नंबर होती है, डाइस के अंदर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, हमारे पास 6 नंबर्स होती हैं डाइस के अंदर। मैं आपको एक डाइस की फोटो यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो आई होप उसके बाद आपको क्वेश्चन ज़्यादा प्रॉपरली समझ आएगा जब मैं आपको एक डाइस की फोटो यहाँ पर दिखा पाऊंगा। अब देखो जैसा आप देख पा रहे हैं इसको हम बोलते हैं डाइस, तो इस डाइस के टोटल 6 फेस होते हैं और हर एक फेस पर एक नंबर होती है। ठीक है, तो नंबर हमारे पास 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। तो हमारे पास टोटल 6 नंबर है। अब इसमें से पहला पार्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर मैंने लिखा है ग्रेटर देन 4, दे आर नॉट सेइंग ग्रेटर देन और इक्वल टू, वो सीधा बोल रहे हैं कि ग्रेटर देन 4। तो 4 से बड़ी कितनी नंबर है हमारे पास, 4 से बड़ी दो ही नंबर है हमारे पास यहाँ पर, एक है नंबर हमारे पास 5 और दूसरी नंबर हमारे पास 6। सो ये सिर्फ यही दो नंबर है जो 4 से बड़ी है। ठीक है, तो टोटल 6 हमारे पास आउटकम्स है, 6 में से दो आउटकम है हमारे पास जो 4 से बड़े हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 4 कितनी होगी हमारे पास, 6/2/6, क्योंकि दो ही ऐसी नंबर है जो 6 से बड़ी है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारे पास 1/3 विच इज 0.3 बार। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है वो देख लेते हैं। वो बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, नंबर विच इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो इस केस में हमारे पास कितने नंबर है जो लेस देन और इक्वल टू 4 है, विच इज 1, 2, 3 एंड 4। टोटल हमारे पास 4 नंबर्स हैं विच आर लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज लेस देन और इक्वल टू 4 इन द डाइस इज 4/6 विच इज इक्वल टू 2/3 विच इज इक्वल टू 0.67 समथिंग परसेंट। ओके, यानी कि ऐसा होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस द फर्स्ट केस। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर भी हम संभावनाओं को मेजर कर रहे हैं कि 4 से कम आने की संभावना कितनी थी और 4 से ज़्यादा आने की जो संभावना है वो कितनी है। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और आपको इस लेक्चर्स में कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में देखिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो क्वेश्चन है उसको आंसर करूँ। और हम आने वाले सभी वीडियोस के अंदर में 10th क्लास की मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एज वेल एज एग्जांपल्स के क्वेश्चंस दोनों को कवर करने वाला हूँ। यानी कि अगर आपको स्कूल के असाइनमेंट्स भी मिले हैं और वहाँ पर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।